बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में बात करेंगे इंतहाई अनहोनी हो गई, इसे अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कहें तो गलत ना होगा। सऊदी अरब ने इसराइल को औकात याद दिला दी और इसराइल हक्का बक्का रह गया। इसके साथ हो क्या गया, सऊदी बादशाह ने बिन सलमान के भी तोते उड़ा दिए। पहली बार इंतहाई खतरनाक तेवर, जबकि दूसरी जानब इसराइल के खिलाफ रूस की जानब से भी बड़ा बयान। नाज़रीन, ये कोई सोच सकता था कि इन हालात व वाक़ात में जब सऊदी अरब का वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बेताब हो रहा है, जबकि इसराइल को सऊदी अरब में असर और रसूख बढ़ाने के हवाले से अहम तरीन मौका भी फराहम किए जा रहे हैं। न्यूम शहर में देखा जाए तो वहाँ पर इसराइलियों को खुद ही आने जाने की छुट्टी है। इसराइली कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए ठेके दिए गए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तमाम मुस्लिम ममालिक की दुश्मनी मोल लेकर मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के साथ ताल्लुक को बढ़ाने और दीगर अरब ममालिक को भी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कोशिशें की हैं। तो ऐसे में कोई सोच सकता था कि सऊदी अरब की जानब से हल्का सा भी इसराइल की मजम्मत में बयान दिया जा सकता है। तो माजी करीम में जब इसराइल की जानब से वहशियाना बमबारी करते हुए गजा के तरोद्वार हिला दिए गए और औरतों, बूढ़ों और बच्चों को खून में नहलाया गया, तो इस वक्त भी सऊदी अरब की जानब से इसराइल की मजम्मत की बजाय फलस्तीनियों की ही इसमें गलती करार दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो हद ही पार कर दी। इसने तो यहाँ तक कह दिया कि हमास की जानब से इसराइल पर हमले बंद ना किए गए तो गजा में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से शुरू किए जाने वाले तरक्याती मनसूबों को बंद कर दिया जाएगा। नाजरीन, ये है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की हालत जो इसराइल के मामले में इस तरह से फलस्तीन के साथ पेश आए। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि सऊदी बादशाह शाह सलमान गुस्से से इस कदर बिखर गए कि मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात को खातर में ना लाते हुए ऐसा बयान जारी किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये कोई आम बयान नहीं बल्कि सऊदी अरब का शाही फरमान है जिसने इसराइल की बुनियादें हिलाकर रख दी। इसराइल जो समझ रहा था कि इसने सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर राम कर लिया है, इसे दिन में तारे नजर आने शुरू हो गए। गुज़श्ता रोज़ इसराइल की जानिब से यहूदियों का एक खास त्यौहार मनाया जा रहा था जिसके लिए इसराइल के सदर ने मकबूजा फलस्तीन में मौजूद मस्जिद इब्राहिम का तकद्दस पामाल कर दिया। यहूदियों ने अपनी तकरीब को मस्जिद में मुनक्कद किया। इसराइली सदर की जानिब से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वीडियोस तक जारी की गईं। इसराइली सदर मस्जिद इब्राहिम में अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ पहुंचे। इसराइली फौज और पुलिस की जानिब से पहले तमाम इंतजाम किए गए। जब ये लोग मस्जिद में पहुंचने की कोशिश करने लगे तो मुसलमान दीवार बनकर सामने खड़े हो गए। तो इसराइली फौज और पुलिस ने मुसलमानों पर शदीद तरीन तशद्दुद किया और ठोकर मारकर मस्जिद का दरवाजा खोला। वहां पर जाकर अपनी तकरीब मुनक्कद की और अपने मजहबी इबादात की। सऊदी अरब की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए इसराइल को मतलब किया गया कि इसराइल की जानिब से मस्जिद इब्राहिम के तकद्दस को पामाल करने के लिए जो घनावना फेल अंजाम दिया गया है, सऊदी अरब भरपूर अल्फाज में इसकी मजम्मत करता है और इसराइली हुकूमत को मतलब करता है कि यह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और इसराइल के सदर की इस हरकत के बाद पूरे आलम इस्लाम में मुसलमानों के दिल दुखे हैं। सऊदी अरब ने OIC के प्लेटफॉर्म से भी मजम्मती बयान जारी करते हुए कहा कि इसराइल को मस्जिद के तकद्दस को पामाल करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसराइल की जानिब से इसके बाद इस तरह की कोई हरकत की गई तो फिर इसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि ये पहला मौका है कि जब इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान मामले पर कशीदगी पैदा हुई है। मोहम्मद बिन सलमान जो कि तख्ते बादशाहत पर बैठने से पहले इसराइल को तस्लीम करने का काम अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन सऊदी बादशाह शाह सलमान जो कि अपनी पुरानी रवायत के अमीन आखिरी बादशाह है, क्योंकि इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जो कि इस्लाम और सऊदी अरब का हाल किया जाने वाला है, इसके असरात सामने ही नजर आ रहे हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की भी सरजनिश करते हुए शाह सलमान की जानिब से ताज़ा बयान जारी किया गया। इससे अंदाजा हुआ कि सऊदी शाह मोहम्मद बिन सलमान के रास्ते अभी तक दीवार बने हुए हैं और वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। नाजरीन, इस मजम्मती बयान और इस पर इतने सख्त रवैये पर अमेरिका और इसराइल भी हक्का बक्का रह गए कि आखिर सऊदी अरब को हुआ क्या। जो हमारे हाँ में हाँ मिलाता था यमन के अंदर मुसलमानों के कत्ले आम वो खुद कर रहा है, जबकि फलस्तीन के मुसलमानों को तह तह कर दिया गया तो तब भी सऊदी अरब की जानिब से कोई बयान नहीं आया। लेकिन अब अचानक सऊदी अरब को हो क्या गया। अपनी जिंदगी के शायद आखिरी आयाम गुजारते हुए शाह सलमान को एहसास हुआ चला है कि आगे जाकर जवाब देना है, तो शायद इसी वजह से उन्होंने ये सब काम किया। दूसरी जानिब व्लादिमीर पुतिन ने बड़े वाजे और दो टोक अल्फाज में कहा कि फलस्तीनियों की सरजमीन पर इसराइल के गासिबाना कब्जे के अपने असूली मौकफ पर वो आज भी कायम है और वो फलस्तीनियों के हकूक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। नाजरीन, इसराइली सदर की जानिब से इस तरह का इकदाम उठाना दरअसल मुसलमानों को तैश दिलाने की कोशिश है। सऊदी अरब की जानिब से तो सिर्फ मजम्मती बयान दिया गया हो सकता है। आइंदा चंद दिनों में इसराइल की हुकूमत को इस्लामी मजाहमती तंजीमों की जानिब से कोई फिजिकल रद्द अमल का भी सामना करना पड़े। जब से सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात में बेहतरी आई, ये पहला मौका है कि जब सऊदी अरब की जानिब से इंतहाई सख्त किस्म का रद्द अमल देते हुए इसराइल की बुनियादें हिलाई गई। नाजरीन, ये भी मुमकिन है ये तमाम काम अमेरिकन इशारे पर किया जा रहा हो, क्योंकि इसराइली वजीर आजम नफ्ताली बेनेट और अमेरिकन सदर जो बाइडन की इन दिनों काफी ज्यादा अनबन चल रही है, क्योंकि जो बाइडन ईरान के साथ जोहरी मुआहदे को बहाल करने के हवाले से दोबारा मुज़ाकरात
का आगाज कर रही हैं, जिसमें अमेरिका की जानिब से ईरान पर आयदा पाबंदियों को खत्म करने का भी इंदिया दिया गया, जिसको लेकर इसराइल और अमेरिका की काफी ज्यादा कशीदगी चल रही है। इसराइल की जानिब से रुकने ममालिक से मुतालबा किया गया कि वो ईरान पर आयद पाबंदियों को खत्म ना करें, और अमेरिका से भी इन्होंने कहा कि वो ईरान पर पाबंदी खत्म ना करें। लेकिन अब अमेरिका के चीन और रूस के साथ जो महाज खुले हुए हैं, इसके साथ ही ईरान को भी दावत देना अमेरिका के लिए खतरे से खाली ना होगा। तो नाज़रीन, अब ये भी हो सकता है कि अमेरिका ने ही सऊदी अरब के जरिए इसराइल को वार्निंग दी हो, लेकिन अभी अब इस हवाले से कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। हालात जो नजर आ रहे हैं, इसमें इसराइल के मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ तसव्वुर किया जा रहा है, वो भी अपने इस अरब अथाती से, जिसके बल पर वो पूरे अरब को अपने सामने सरनगू करना चाहता है। तमाम सूरत हाल के हवाले से नाज़रीन, अब आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, जज़ाकअल्लाह।